लंबे टाइम बाद जो है एक ग्राफ का क्वेश्चन आया है ना, ठीक है। बट ये कि आजकल बहुत आ रहे हैं ग्राफ वाले, लास्ट ईयर में एक दो साल में देखोगे तो ग्राफ के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टू, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें निकालना है, निगेटिव कब होगा। अब आपको पता होगा कि अगर आप ग्राफ की प्रॉपर्टी पढ़े होगे तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, डिस्प्लेसमेंट जो एसटी ग्राफ्स होती है जो इसका स्लोप होता है थीटा डीएस ओवर डीटी, डीएस ओवर डीटी वो वेलोसिटी देता है। वो क्या देता है? वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निगेटिव कब होगी? जब स्लोप निगेटिव होगा। स्लोप देखने आता है सबको, ठीक है। सी पॉइंट का स्लोप एक्स एक्सिस को ऊपर शिफ्ट कर दो और यहाँ पे एक टेंजेंट बना दो, ये थीटा, थीटा लेस देन 90 है तो लेस देन 90 है तो यहाँ स्लोप पॉजिटिव होता है। थीटा लेस देन 90 है तो यहाँ स्लोप, यहाँ से लेके यहाँ तक स्लोप डी। डी पे टेंजेंट और एक्स एक्सिस दोनों पैरेलल होंगे, थीटा जीरो है, थीटा जीरो है तो टेन थीटा जीरो जीरो होता है, यहाँ पे स्लोप जीरो है, ठीक है। ई पॉइंट पर एक्स एक्सिस को ऊपर शिफ्ट करो, टेंजेंट है यहाँ, ऐसे आएगा, ये यहाँ पे एंगल बना थीटा और थीटा यहाँ पे ग्रेटर देन 90 है। जब थीटा ग्रेटर देन 90 होता है तो स्लोप निगेटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ई पॉइंट पर ही वेलोसिटी निगेटिव होगी, तो ई पॉइंट पर वेलोसिटी आ गई निगेटिव, ठीक है। आता है सबको स्लोप देख रहे। तीन कंडीशन होता है, जब थीटा स्लोप थीटा ग्रेटर देन 90 स्लोप पॉजिटिव, थीटा इक्वल टू 90 स्लोप जीरो, ठीक है। थीटा लेस देन 90, ठीक है, स्लोप निगेटिव। हाँ, क्या बोला मैं, उल्टा बोल दिया। एक मिनट एक मिनट, थीटा ग्रेटर देन 90, थीटा ग्रेटर देन 90 तो स्लोप जो होता है, एक बार फिर से मैं आपको मैं देख, किसी को आई होप कि सबको आता होगा, तो स्लोप निगेटिव होता है। थीटा ग्रेटर देन 90 स्लोप निगेटिव होता है, टैन थीटा निगेटिव होती है। थीटा इक्वल टू 90 स्लोप एम दैट इज जीरो इन्फिनिटी, टैन 90 इन्फिनिटी होता है। थीटा इक्वल टू जीरो तो स्लोप जीरो होता है, टैन जीरो जीरो। थीटा लेस देन 90, ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव होता है क्योंकि टैन थीटा पॉजिटिव। ये सब टैन की वैल्यू है यार, ठीक है। ये चलो रे भैया, ये देखो, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। एक पार्टिकल